हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम आपकी स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है प्लांट फिजियोलॉजी 1, या फिर इसे हम कह सकते हैं पादप कार्यकी 1। फर्स्ट पादप कार्यकी जो यूनिट है, इसमें आपके चैप्टर 5 से चैप्टर 9 तक आते हैं। हमने पिछले जो चैप्टर्स किए हैं वो 4 तक कंप्लीट किए हैं। इससे आगे 5 to 9 के जो चैप्टर्स हैं वो आपके यूनिट सेकंड के अंदर आते हैं। ये यूनिट आपकी 9 नंबर की यूनिट है, 9 नंबर की यूनिट है, 9 मार्क्स की यूनिट है। इसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे पेपर में वो समझें। 2 क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के होंगे, यानी कि अति लघुतरात्मक होंगे, जिनका जवाब आपको एक लाइन में देना है। और 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके 2+2+3 के रूप में। 2 नंबर वाला तो लघुतरात्मक हो सकता है, कोई डेफिनेशन पूछ सकता है इसमें, कोई प्रोसेस पूछ सकता है। और 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2+1 के रूप में आता है। 2+1 मीन्स 2 नंबर की कोई प्रोसेस पूछेगा या डेफिनेशन पूछेगा और 1 नंबर का होगा आपका डायग्राम। 1 नंबर का क्या होगा आपका डायग्राम होगा। तो डायग्राम्स इस चैप्टर में से कम एक तो पक्का आना है। तो दोस्तों, अब आप ही चालू करते हैं यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर, यानी कि चैप्टर 5, जो कि है आपका प्लांट वाटर रिलेशंस, पादप जल संबंध। अब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर का मतलब समझिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। पादप जल संबंध, यानी कि पौधों और जल के बीच में जो रिलेशन होता है उसका हमें इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर की, यानी कि जल की। तो देखें, जल क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप अच्छी तरह से समझें। वाटर यानी कि जल, इसकी कुछ विशेषताएँ हमें देखनी है। तो हेडिंग डाल सकते हैं जल की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जल की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सीरियल वाइज देखते जाइए। पहली जो प्रॉपर्टी हम जल की ले सकते हैं वो होती है ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ध्रुव कब बनता है या ध्रुवीय पोलर प्रकृति कब बनती है, उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स का होना ज़रूरी है। जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्थिति आपकी पोलर हो जाती है, ध्रुवीय हो जाती है। अब जल कैसे ध्रुवीय है, इस चीज़ को समझिए। जल जो होता है वो H2O होता है, और इसका जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं। आप जानते हो जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव आयन वाला होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी बात आप जानते हो। तो जल के एक अणु में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए ये कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति वाला है। सेकंड बात इसकी अगर हम करें तो सेकंड टॉपिक हो सकता है कि जल जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन मींस इसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। थर्ड पॉइंट हम बात करें कि ये सार्वत्रिक विलायक होता है, सार्वत्रिक विलायक। अब सार्वत्रिक विलायक का क्या मतलब है, सार्वत्रिक का मतलब तो हो गया भाई सबके लिए, विलायक होता है घुलने वाला। जैसे हम एक चीनी के घोल की बात करें, भाई पानी में हमने चीनी मिला दी तो जो हमने मिलाया वो तो विलेय है, और जिसके अंदर हमने मिलाया है यानी कि जिसके अंदर हमने घोला है वो क्या है, विलायक है। तो सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम करता है, यानी कि सबको घोलने का काम करता है वाटर। थर्ड जो फोर्थ जो पॉइंट हो सकता है, इसका फोर्थ पॉइंट हो सकता है आपका उच्च ससंजक और आसंजक बल। उच्च ससंजक और आसंजक
इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? उच्च संसंजक और असंजक बल का मतलब है कि जल के जो अणु होते हैं वो आपस में सभी जुड़े हुए होते हैं, संसंजक और असंजक। आपने कभी देखा होगा कि पाइपलाइन के अंदर जो पानी चलता है उसमें ऐसे नहीं चलता कि भाई थोड़ा सा चला फिर बीच में थोड़ी जगह खाली रह गई, फिर थोड़ा चला फिर खाली रह गई, ऐसा तो नहीं होता। रेगुलर चलता रहता है, यानी कि जल के सभी अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यही जो बल होते हैं ये कहलाते हैं आपके ससंजक और असंजक बल। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यानी कि 5 पॉइंट की अगर हम बात करें, तो 5 पॉइंट हो सकता है ये तापमान की तीनों अवस्थाओं में, यानी कि तीनों परासों में उपस्थित होता है, तीनों अवस्थाओं में प्रेजेंट होता है, यानी कि ठोस में भी होता है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बर्फ, गैस में भी होता है जैसे बाष्प, और द्रव तो जल होता ही है। तो तापमान की तीनों अवस्थाओं में, अभी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में भी ये पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो जल की प्रॉपर्टीज़ को हमें बताते हैं। एक बार दोबारा देखें, ध्रुवीय प्रकृति होती है क्योंकि जल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ होते हैं, उदासीन होता है, पीएच इसकी 7 होती है, सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है, उच्च ससंजक और असंजक बल होते हैं, और तीनों अवस्थाओं में यह पाया जाता है। तो इस तरह के कुछ इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जल की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करने के बाद में, अब देखो यहाँ पर हमने जल का तो अध्ययन कर लिया, अब बचा कौन? पादप। अब पादपों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करना है कि भाई जल से किस प्रकार रिलेटेड हैं वो। तो पादप क्या है? एक सजीव है, और सजीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी किस में होती हैं? एक सेल के अंदर होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं, और कोशिका में भी उसके जीव द्रव्य में। ठीक है, तो जीव द्रव्य के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो कुछ अन्य क्रियाओं से प्रभावित होती हैं, उन्हीं क्रियाओं का हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। इस चैप्टर के अंदर हमें वही क्रियाएं अच्छी तरह से पढ़नी हैं। ओके बच्चों, देखें कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो आपको अच्छी तरह से पढ़नी हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं किसको? जीव द्रव्य को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जीव द्रव्य को प्रभावित करने वाले, जीव द्रव्य को प्रभावित करने वाली क्रियाएं। इसके अंदर आपको कौन कौन सी क्रियाएं पढ़नी हैं उनके नाम देख लेते हैं पहले, ताकि हमें भाई ये पता होगा कि भाई हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो हमें अच्छी तरह से चैप्टर याद होगा। और तो इसके अंदर सबसे पहली जो क्रिया है वो हमें पढ़नी है विसरण, इसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। सेकंड पढ़ना है पारगम्यता, इसे हम कहते हैं परमीएबिलिटी। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका परासरण, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है आपका विभिन्न दाब, इसके अंदर हमें पढ़ने हैं विभिन्न दाब, कुछ दाब प्रेशर्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। उन प्रेशर्स के अलावा भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस ये दो क्रियाएं हमें पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है जल विभव, और लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है अंतः शोषण, इसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और अंतः शोषण को हम कहते हैं इम्बाइविशन, इम्बाइविशन। ओके बच्चों,
तो ये टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। कौन कौन से? विसरण, डिफ्यूज़न, पारगम्यता, परमियाबिलिटी, परास्तरण, ऑस्मोसिस, डिफरेंट प्रेशर्स, जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन मीन्स प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, जल विभव, वाटर पोटेंशियल एंड इम्बाइविशंस। एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को देखते जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ वो है आपका विसरण। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? विसरण यानी कि डिफ्यूजन। अपने को सभी टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से समझने हैं, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। देखो, विसरण को समझने से पहले इसकी एक नॉर्मल सी परिभाषा होती है कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। अब इस चीज़ को आप एक कुछ एग्जांपल्स की सहायता से यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखो बच्चों, मान लेते हैं आपके पास एक यू शेप की नली है, कांच की नली है। इसका ये वाला सिरा बी है और ये वाला सिरा ए है। आपने क्या किया, इसके बीच में एक दीवार लगा दी, अवरोधक लगा दिया, जिससे इधर का सामान इधर नहीं आ सकता, इधर का सामान इधर नहीं आ सकता। अब आप क्या करते हो, इसको वाटर से भर देते हो, पानी से भर देते हो। आप ए वाला तो आपने भर दिया पूरा, बी वाले को आपने थोड़ा सा खाली छोड़ दिया और बी वाले को आपने इतना भरा, ठीक है। अब आप क्या करते हो भाई कि ये जो आपने अवरोधक लगाया था, इस अवरोधक को आप हटा दो। जैसे ही आप इस दीवार को यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। नॉर्मल सी बात है भाई, इन दोनों का जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। अब बराबर करने के लिए क्या चेंज हुआ है इसके अंदर? कोई तो चेंज हुआ होगा। तो हमें पता है कि भाई जहाँ पर ज़्यादा पानी था वहाँ से कम की तरफ चला गया और दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो ए से बी की तरफ यहाँ पे जल के अणुओं का गमन हुआ। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। ए की तरफ ज़्यादा था पानी, बी की तरफ कम था। तो जैसे ही हमने दीवार को हटाया वैसे ही क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए। ए से बी की तरफ पानी चला गया और दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स इसमें जल के अणुओं का गमन अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर हुआ है। बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझने की और कोशिश करें आप। मान लो आपके पास में एक लोहे की गेंद है ए और दूसरी लोहे की गेंद है बी। ए का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और बी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अब आप क्या करते हो, इन दोनों गेंदों को एक साथ रख देते हो और एक ऐसे बक्से में बंद कर देते हो जिसमें ऊष्मा की हानि नहीं होती है, यानी कि ऊष्मा उसमें से बाहर नहीं निकले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होगा इसके अंदर? एक गर्म है एक ठंडी है, दोनों का आपने एक साथ रख दिया तो क्या होगा भाई? दोनों बराबर टेम्परेचर के हो जाएंगे ना। इसमें भी क्या हुआ, टेम्परेचर का आदान प्रदान हुआ। कहाँ से कहाँ की ओर हुआ, किधर से किधर हुआ? ए से बी की ओर हुआ। दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे, 55-55 हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? गमन करना पड़ता है। और इस गमन को कराने के लिए यानी कि इस ट्रांसफ़र स्थानांतरण को कराने के लिए हमें एक डिफरेंस की आवश्यकता होती है। आप इमेजिन कर सकते हो, अगर ये पहले से ही बराबर होते तो क्या इधर से पानी इधर आता? अगर इनका टेम्परेचर बराबर होता तो क्या ए से बी की तरफ टेम्परेचर जाता? नहीं जाता। इसके बीच में भी डिफरेंस है, इनके बीच में भी डिफरेंस है। तो जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ पे पदार्थ के अणु गति करेंगे, और गति किस तरफ होगी? ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। ये जो डिफरेंस है इसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता। दोनों लेवलों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट या प्रवणता। बात क्लियर है? तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पदार्थ के अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, अपनी
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, गति करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। बात क्लियर है बच्चों? तो विसरण वाला टॉपिक हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं कि अमोनिया होती है NH3, अगर आप इसको कमरे में रखकर छोड़ दो खुला तो ये पूरे कमरे में फैल जाएगी। आप अगर कॉपर के विलयन में यानी कि नॉर्मल विलयन में आप अगर CU आयन डाल देते हो, CuSO4 की गोली डाल देते हो तो वो नीले रंग का हो जाता है। तो इस तरह से आप कुछ एग्जांपल्स इसके याद रख सकते हो। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि विसरण क्या होता है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम एक और फैक्ट इसका समझते हैं। मान लो बच्चों ये मैंने एक तंत्र बना दिया, इसमें A, B और C हैं। ये मैंने दूसरा तंत्र बनाया जिसमें भी A, B और C हैं। A की मात्रा इधर 100 है, कुछ भी हो सकती है, किलोग्राम, मीटर्स, कुछ भी हो सकती है। इधर आपकी 50 है, इधर आपकी 80 है। अब सेकंड तंत्र में देखें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड के अंदर क्या है, इधर 50 है, इधर 90 है और इधर 100 है। अब आप एक बात समझने की कोशिश करें बच्चों कि ये पूरा एक ही पदार्थ है। मान लो अब एक ही तीन अलग अलग पदार्थ हैं आपके पास, इन तीनों पदार्थों में से ए पदार्थ का गमन किस तरफ होगा भाई, फर्स्ट से सेकंड की ओर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट की ओर ज़्यादा है और सेकंड की ओर कम है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। इसमें देखें हम कि इसमें गमन किस तरफ होगा, सेकंड से फर्स्ट की ओर, बिकॉज सेकंड के पास ज़्यादा है, फर्स्ट के पास कम है। थर्ड पदार्थ सेकंड से फर्स्ट की ओर। तो यदि एक ही तंत्र में बहुत सारे पदार्थ उपस्थित हों तो प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूप से विसरित होता है, उस पर किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थिति को हम कहते हैं स्वतंत्र विसरण। बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और टॉपिक्स हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, कुछ और टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट जो है वो आप समझने का प्रयास करें क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है विसरण से ही रिलेटेड है। हेडिंग है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है भाई, कारक ये है, टेम्परेचर है, तापमान है। अब बच्चों तापमान कैसे प्रभावित करेगा, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें। देखो बच्चों तापमान कैसे प्रभावित करता है विसरण को। विसरण में क्या होता है, गमन ही तो होता है। अब अणुओं का गमन होता है और आप जानते हो भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अणु तेज़ी से गति करेंगे, धीरे धीरे गति करेंगे, तेज़ी से गति करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा। बात क्लियर है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न को मैं RD लिखूँगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि RD प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है? पहला टॉपिक टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ेगा, विसरण की दर बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बच्चों घनत्व। जिस पदार्थ का विसरण हो रहा है उसके लिए एक महान आदमी थे ग्राहम,
इन महाराज ने गैसों के लिए एक विसरण का नियम दिया, जिसे हम आज विसरण नियम कहते हैं। ग्राहम का विसरण नियम भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो, इसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बटे में आएगा, उल्टा हो जाएगा। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? घनत्व के वर्गमूल के। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ग्राम के गैसों के विसरण के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि आर डी इज ओके। ये है आपका सेकंड पॉइंट। और थर्ड जो फैक्टर है, वो थर्ड फैक्टर क्या है वो भी आप समझ लें। यहाँ पर थर्ड फैक्टर है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में अभी मैंने बताया था। ग्रेडियंट मीन्स प्रवणता, और प्रवणता मतलब डिफरेंस, अंतर। तो ज़्यादा से कम का जब अंतर होता है तो पदार्थ के अणु ज़्यादा से ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर गति करते हैं, इसे ही हम कहते हैं प्रवणता। तो आई होप आपका जो विसरण वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया होगा। दोस्तों अभी हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक है पारगम्यता, परमियाबिलिटी। पारगम्यता क्या होती है, इस चीज़ को आप क्लियर करें। दोस्तों हमने जो पहला एग्जांपल आपके लिए दिया था उसके अंदर मैंने एक पाइप के अंदर एक अवरोध लगाया था, एक दीवार लगाया था, है ना। तो वो जो दीवार है, मान लेते हैं कोई झिल्ली है, ठीक है। अब उस झिल्ली के लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए, एक सॉल्यूशन नाम आपने सुना होगा, सॉल्यूशन, जो कि दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक तो सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। यानी कि जो विलयन होता है, सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? विलयन। ये आपका विलेय और विलायक दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। विलेय तो वो होता है जिसको हम घोलते हैं, जैसे पानी में मैंने चीनी को डाला तो चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। नमक डालूं तो विलेय क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। तो विलेय वो पदार्थ होता है जिसको हम घोलते हैं। विलायक क्या होता है? विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें हम विलेय को घोलते हैं। तो बात समझ में आई बच्चों? जिसमें जिसको, क्लियर है? तो इन दोनों का फंडा आपको क्लियर हो गया है तो आप पारगम्यता स्टार्ट कर सकते हैं। पारगम्यता क्या होती है बच्चों? देखो, अगर मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, ठीक है। अगर ये झिल्ली विलेय और विलायक दोनों को आर पार जाने देती है, यानी कि विलेय भी इधर से इधर जा सकते हैं और विलायक दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ में गमन कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो झिल्ली है वो पारगम्य झिल्ली कहलाती है। कौन सी झिल्ली कहलाती है? पारगम्य, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड स्थिति बनती है भाई कि विलेय और विलायक दोनों के लिए ही ये जो झिल्ली है ये अपारगम्य रहे, यानी कि पहुँचे ही ना, ना तो विलेय पार जा सके ना ही विलायक पार जा सके। तो ऐसी स्थिति में हम इस झिल्ली को कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। ओके, थर्ड स्टेज बनती है भाई कि विलेय और विलायक दो ही तो चीज़ें हैं। अगर विलायक अधिक पार जा सकता है, विलायक के लिए परमिशन है अधिक, विलेय भी जा सकता है लेकिन विलेय जा सकता है भाई कम। जितना विलायक को हम पार जाने दे रहे हैं उतना विलेय को नहीं जाने देंगे। तो ऐसी स्थिति में झिल्ली कहलाती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट बचता है कि विलेय और विलायक। अगर विलेय के लिए परमिशन नहीं है
केवल विलायक के लिए परमिशन है। तो विलयन का तो आधा ही भाग तो जा रहा है, तो आधा भाग जा रहा है इसीलिए हम इसको कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या SPM। SPM नाम आप याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा आपके। तो दोस्तों पारगम्यता का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी झिल्ली के आर पार जाने का जो गुण होता है वो पारगम्यता होता है। इसके आधार पे जो झिल्लियाँ हैं वो चार तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट पारगम्य, जिसमें से विलय विलायक दोनों पार जा सकते हैं। अपारगम्य, विलय और विलायक कोई पार नहीं जा सकता। चयनात्मक पारगम्य, विलायक अधिक मात्रा में गमन कर सकते हैं, विलायक कम। अर्ध पारगम्य, केवल विलायक का गमन हो सकता है और विलय का नहीं होगा। तो ये जो स्थिति है ये आपकी पारगम्यता है। नॉर्मली आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, प्रत्येक का एक एक एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल सेल वॉल है, इसका एग्जांपल अधिचर्म हो सकता है। अधिचर्म जो बाहर की उपस्थित, बाहर की जो झिल्ली होती है त्वचा के ऊपर जो होती है वो अधिचर्म होती है। चयनात्मक पारगम्य का आपका सेल वॉल हो सकती है नॉर्मली, इसका भी आपका सेल वॉल हो सकती है। इसमें आप ले सकते हो अर्ध पारगम्य झिल्ली में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आदि को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपकी ये वीडियो स्टॉप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की और प्लाज्मोलाइसिस और डिप्लाज्मोलाइसिस की। उससे पहले आप ये वीडियो कंप्लीट करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ावा दें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप टाइम से पढ़ोगे नहीं, टाइम से अपना काम करोगे नहीं, तो उससे हम डिमोटिवेट होते हैं और हमारा मन नहीं करता फिर वीडियो बनाने का। तो बच्चों इस लॉकडाउन के टाइम में जितना आपके टीचर्स, आपके सर मेहनत कर रहे हैं, उसी के साथ में आप भी मेहनत करें और अपने सर का साथ दें। इसी आशा के साथ में हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज़, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।